अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे हम, वो बेस्ट टाइम ढूंढेंगे पूरे साल में कि कौन सा होता है जिसमें हम सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। फवाद थोड़ा सा बताएं कि कौन सा सबसे बेस्ट टाइम होगा इस सोलर की इंस्टॉलेशन के लिए एज अ कस्टमर। देखिए, फॉर द कंज्यूमर द बेस्ट टाइम, द मोस्ट बेनिफिशियल टाइम टू गो फॉर द सोलर सिस्टम अडॉप्शन इज जो विंटर्स का टाइम होता है, सर्दियों का जो टाइम होता है। जितना ठंडा पीरियड होता है फॉर द कंट्री, उतना अच्छा टाइम होता है कंज्यूमर के लिए सोलर सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए। और जितना गर्मियों का टाइम होता है, जितना ज़्यादा पीक की गर्मी होती है, लोड शेडिंग का ज़्यादा वो अकरेंस होती है, वो टाइम सबसे गलत टाइम होता है अगर कंज्यूमर की बात करें। बट लोग गर्मियों में इसलिए लगवाते हैं ज़्यादातर क्योंकि सर पे आपड़ी होती है, लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही होती है, गर्मी की वजह से एयर कंडीशनिंग्स रन करने पड़ते हैं जिसके ऐसे बिल स्काई रॉकेट कर चुका होता है। और फिर सोलर सिस्टम को अडॉप्ट उस वक्त में करना लाजिम बन जाता है आपके लिए। इट बिकम्स इंपॉर्टेंट, इट बिकम्स नेसेसरी कि आपके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। अब ये जो कमिंग सीज़न है, या अभी सर्दियों का सीज़न आ रहा है, कंज्यूमर्स के लिए बेस्ट सीज़न अभी है सोलर सिस्टम्स को अडॉप्ट करने का। उसकी 3-4 वजूहत हैं। एक वजह यह है कि अभी मार्केट में डिमांड उतनी नहीं होती जितनी गर्मियों में होती है, क्योंकि मार्केट में डिमांड इक्विवेलेंट नहीं होती तो उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो थोड़ी और स्टेबलाइज़ करके नॉर्मलाइज हुई भी होती हैं। गर्मियों में प्राइसेस सिस्टम्स की स्काई रॉकेट कर चुकी होती हैं क्योंकि डिमांड बहुत एक्सेप्शनली हाई होती है। दूसरी वजह यह है कि सर्दियों का टाइम है, आपको जो भी प्रोडक्ट मार्केट में मिलेगी वो रेडी स्टॉक में उसकी कंडीशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू गर्मियों में, समर्स में, क्योंकि समर्स में स्टॉक की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और प्राइसेस भी स्काई रॉकेट कर जाती हैं। एडिशनली जो तीसरी बात वो यह है कि आप जब सिस्टम लगवा रहे होंगे तो आप ख़ुद भी मॉनिटर कर सकते हैं क्योंकि मौसम ठीक है, गर्मियों में भी कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू, कि आप क्या इंस्टॉल क्या हो रहा है, आप ख़ुद उसको मॉनिटर करें, खुद वॉच करें, सिस्टम अपनी मर्ज़ी से अपने सामने लगवाएँ और इंश्योर करें कि सिस्टम की जो इंस्टॉलेशन है वो सही हो रही है कि नहीं हो रही। गर्मियों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फॉर द कंज्यूमर के, गर्मी में वो भी खड़ा रहे, 3 दिन खड़ा रहे, 4 दिन खड़ा रहे, छत के ऊपर बैठा रहे कुर्सी लगा के। सर्दियों में निस्बतन आसान हो जाता है। नॉट एवरी कंज्यूमर सिट्स एंड वॉचेस, बट जो बैठ के देखना चाहते हैं उनके लिए ज़्यादा बेहतर टाइम है ये। अच्छा, एक ये भी बात है कि सर्दियों में सबसे मैक्सिमम इसकी एफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि अगर आप इसकी रेटिंग देखें पैनल्स की, तो 25 डिग्री सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसमें पीक प्रोडक्शन करता है। तो एक तो इंस्टॉलेशन आपने बड़े आराम से तसल्ली से करवा ली क्योंकि मौसम अच्छा था, और दूसरा फिर आपको मैक्सिमम उसकी पोटेंशियल जो है वो भी इसी मौसम में मिलती है, गर्मियों में नहीं मिलती। 42 डिग्रीज पे वो उसका जो एफिशिएंसी है वो डिग्रेड हो जाती है। इस टाइम पे सबसे अच्छी एफिशिएंसी होती है और इस टाइम पे सबसे कम हमारा लोड होता है, तो हम मैक्सिमम प्रोड्यूस करके और अपने नेट मीटरिंग के थ्रू या हम अपने बैटरीज के थ्रू हम अपने बिल को कम कर सकते हैं क्योंकि हमारा लोड भी कम है। और तीसरी बात यह कि जब हमारा लोड कम होता है तो हम इजीली अपने आप को अडेप्ट भी करवा लेते हैं कि हमने बैटरीज पे कितना लोड डाल के 24 आवर्स इंडिपेंडेंस की तरफ चले आना है नेशनल ग्रिड से। तो जब लोड भी कम है, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रही है, बैटरीज भी आपके पास है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम इन द विंटर्स टू इंस्टॉल द सोलर सिस्टम एंड टू लर्न अबाउट इट। और उससे फिर आप जब एक दफ़ा आपको समझ आ जाए कि किस तरह इसने काम करना है, तो फिर आप गर्मियां बड़े आराम से निकाल सकते हैं उसको, आराम आराम से लोड बढ़ा के अलोंग विद द एसी। बिल्कुल, आपको मौका मिल जाता है कि अगर आपने सर्दियों में इंस्टॉल करवा लिया हो तो आप अपने घर की जो एनर्जी मैनेजमेंट है उसको ऑप्टिमाइज़ कर लें ताकि वो सोलर सिस्टम की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके साथ इंटीग्रेट कर जाए, उसके साथ सिंक कर जाए। अगर आपका सोलर सिस्टम 10 किलोवाट्स का है तो फिर आपका जो घर का जो कंजम्पशन है आपने उसको भी मॉड्यूलेट करना है और उसको इंटीग्रेट करना है ताकि आप मैक्सिमम एफिशिएंसी सोलर सिस्टम से अटेन कर सकें। सर्दियों में क्योंकि लोड, जैसे बताया गया है कि सोलर का जो लोड आपका कंजम्पशन का लोड होता है वो सबसे कम होता है, सबसे नॉर्मल होता है, तो आपके पास ये ऑप्शन ज़्यादा होता है। गर्मियों में गर्मी की वजह से एयर कंडीशनिंग आप ऑफ नहीं कर सकते तो उसमें फिर आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं। प्लस अगर आप सर्दियों में सिस्टम लगवाते हैं, फ़र्ज़ करें आज के महीने में, अक्टूबर के महीने में कोई सिस्टम लगवाता है, तो कराची के हद तक उसका जो नेट मीटरिंग का बाई डायरेक्शन मीटर लगेगा उसमें रफली 2 से 3 महीने का टाइम लग जाता है। डिलेज के इलेक्ट्रिक के एंड पे आते हैं, सिस्टम की इंस्टॉलेशन के एंड पे नहीं आते। तो अगर 3 महीने का टाइम पीरियड लगता है नेट मीटरिंग को फाइनलाइज़ होने में और बाई डायरेक्शनल मीटर की इंस्टॉलेशन तक, तो जो बंदा आज अक्टूबर के महीने में सिस्टम लगवाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मिड में जाकर उसका कहीं बाई डायरेक्शनल मीटर लगने के ज़्यादातर 100% चांसेस हो जाते हैं कि जनवरी के स्टार्ट या मिड तक आपका लग जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक की तरफ से। उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती, उसमें भी एक बात होती है कि डेढ़ साल पहले एक दफ़ा एक शॉर्टेज क्रिएट करी गई थी कि इलेक्ट्रिक की तरफ से कि जी बाई डायरेक्शनल मीटर हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। तो अगर वो कोई इस तरह का अब बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करें तो वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। बट नॉर्मली ड्यूरिंग नॉर्मल टाइम्स 3 महीने का पीरियड में आपके सर्वे प्लस आपका टोकन जनरेशन प्लस आपका साइट सर्वे प्लस जो उसकी रिपोर्ट जानी है प्लस जो आपका डिमांड नोटिस जनरेट होना है प्लस उसकी जो आपने पेमेंट करवानी है, उसके बाद टीम ने आके आपके साइट पे जो मीटर को रिप्लेस करना है, पुराना यूनिडायरेक्शनल मीटर को उतार के बाई डायरेक्शनल मीटर लगाना है, उसमें 3 महीने लग जाते हैं।
तो जो सिस्टम आज लगवाएगा वो फिर भी जनवरी में उसका सिस्टम फुली लाइव हो जाएगा, तो फिर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में तो गर्मियाँ आ जाती हैं, बट जैन और फेब में जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगी वो नेट मीटर होके उसको वो आने वाली गर्मियों में यूज़ कर सकता है। जो आदमी सिस्टम ही मार्च अप्रैल में लगवाएगा उसका वेरिएशन मीटर लगते लगते उससे 3 महीने आप ऐड ऑन कर लें, तो उस सिस्टम का जो फुल बेनिफिट वो उठाना शुरू करेगा वो फिर अगली गर्मियों के मिड या अगली गर्मियों के एंड में शुरू करेगा, तो उसका उस गर्मियों का बिल ज़्यादा ही आएगा। तो बेस्ट टाइम यही होता है कि सर्दियों के स्टार्ट से पहले सिस्टम लगवा लिया जाए, उसमें फ़ायदा ही होता है कि सर्दियाँ आधी गुजरती हैं, आपका बिल इतना ज़्यादा नहीं होता, आपको फील नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होती, और सर्दियों में ही आपका जो पूरा सोलर सिस्टम की इंटीग्रेशन और उसकी फुली एग्जीक्यूशन का जो मामला होता है उसमें नेट मीटरिंग भी इन्वॉल्व ही है, तो वो सारे के सारे मामला आपके रिजॉल्व हो जाते हैं और अगली गर्मियों के लिए आप प्रिपेयर्ड होते हैं, आपका जो सिस्टम है वो फुली फंक्शनल हो चुका होता है ताकि आप उसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। अच्छा, और इसमें एक और रीज़न भी है कि हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ से जाते ही नहीं है, तो अगर आप जो जो कस्टमर्स इस बात को समझ लें और वो सर्दियों में लगवा लें तो उनके नेट मीटरिंग वाला काम भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि सारी दुनिया जब सर पे पड़ती है आके तो फिर ये इंस्टॉलेशन की तरफ जाते हैं, फिर लोड पड़ता है इंस्टॉलेशन के ऊपर, फिर लोड पड़ता है नेट मीटरिंग के ऊपर, उसके मीटर्स चेंज के ऊपर, तो वो तभी प्रोसेस 3-3 महीने तक लटक जाता है। आपको याद है जो सर्दियों की इंक्वायरीज होती हैं उसमें विद इन अ वीक ही आपको टोकन भी मिल जाता है और इंस्पेक्शन भी हो जाती है, और वही 3 महीने वाला काम आपका 1 महीने में भी हो जाता है, क्योंकि रश नहीं होता, क्योंकि हर कोई अब छोड़ देता है, अब तो सर्दियाँ आ गई, बिजली का बिल ही कम हो गया, आप छोड़ दो, जैसे अगले साल की गर्मियाँ ने आना ही नहीं है और आपके बिल ने अब आना ही नहीं है, तो प्रिवेंटिव मेजर्स में आपको यही फ़ायदा हो जाता है कि आपको काम भी आपका जल्दी हो जाता है और तसल्ली में हो जाता है। बिल्कुल, प्लानिंग में कस्टमर्स से जो जो हमारी रिकमेंडेशन है कि जो जो कस्टमर्स चाह रहे हैं कि उनके सोलर सिस्टम्स लगे उनके लिए प्रेफरेबल बात यही है कि वो इन्हीं विंटर्स में लगवाएं बजाय से कि आने वाली समर्स में लगवाएं। लगने को समर्स में भी लग जाता है और विंटर्स में भी लग जाता है, बेनिफिट कंज्यूमर का ही होता है कि वो प्रोसेस जो 5 दिन का होता है वो 3-2.5 दिन में होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि लोग एनर्जी की तरफ बेध्यानी शुरू कर देते हैं कि अब मौसम ठंडा हो गया है, अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमारी ऑटोमेटिकली कम हो गई है, तो कस्टमर का ही बेनिफिट है अगर वो अपनी जो प्लानिंग है उसमें जो एग्जीक्यूशन है उसको ऐसे फेज़ में ऐसे टाइम पे करवा ले जहाँ पे मोस्ट एफिशिएंट टाइम में उनका काम हो जाए। साथ साथ ये भी देखने में आया है कि क्योंकि स्टॉक की अवेलेबिलिटी गर्मियों में शॉर्ट हो जाती है और स्टॉक जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो पूरी नहीं होती, डिमांड इतनी ज़्यादा है, अभी पाकिस्तान तो 5 से 6 साल पाकिस्तान को लगे हुए हैं सोलर सिस्टम्स की यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुए हुए, बट स्टिल अभी तो आपके सामने है नेप्रा के जो स्टेटिस्टिक्स है उसके मुताबिक 400 कुछ मेगावाट की प्रोडक्शन होती है जो सोलर सिस्टम्स के ऑन ग्रिड सिस्टम्स के थ्रू नेट मीटर करके ग्रिड को सप्लाई होती है, तो इट्स ऑलमोस्ट नथिंग, मतलब अगर हम काउंट करें तो कुछ भी नहीं बनता। तो उसमें अब जैसे जैसे बिल्स बढ़ते जा रहे हैं, एनर्जी की प्राइसेस स्काई रॉकेट करती जा रही हैं, कंज्यूमर के लिए मुश्किल होता जा रहा है कि वो अपनी घर की फिजिबिलिटी, कमर्शियल फिजिबिलिटी एंटिटी की या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की फिजिबिलिटी ऐसे बनाए कि वो के इलेक्ट्रिक या बाबडा से कनेक्टेड हो और उनसे स्काई रॉकेटिंग बिजली खरीदता रहे और उसका बिजनेस भी फिजिबल रहे, तो मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है कि आप ग्रिड से कनेक्टेड भी रहें और अपने बिजनेस को भी सस्टेन करवा लें। तो उसमें ऑप्शन एक यही निकल रहा है कि आप ऑफ द ग्रिड जाएं, माइक्रो ग्रिड्स अपनी इस्टेब्लिश करें और अपनी सेल्फ कंजम्पशन करें और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं एंड यू बिकम सेपरेट कट ऑफ फ्रॉम द ग्रिड। उसमें जैसे जैसे गर्मी आती हैं वैसे वैसे फिर डिमांड बढ़ जाती है, प्रोडक्ट शॉर्ट हो जाती है, प्रोडक्ट की प्राइस स्काई रॉकेट कर जाती है, वही प्रोडक्ट बेशक आज 50 रुपये की होगी तो वो गर्मियों में जाके 70-75 रुपीज़ की ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ओपन ओपन मार्केट है, ओपन प्राइस है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, डीलर नेटवर्क के थ्रू नहीं आ रही, इंपोर्ट हो रही है और ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई इसी प्रोडक्ट की प्राइस ऊपर चली जाती है या नीचे आ जाती है। अभी अगर हम आज की बात करें तो प्राइसेस और ज़्यादा ऊपर जा चुकी हैं क्योंकि जो शॉर्टेज चल रही है, इंपोर्ट पे बैन, क्लियर कट बैन तो नहीं लगा हुआ बट इंपोर्ट में हर्डल्स क्रिएट करे हुए हैं, जो स्टॉक पोर्ट पे पड़ा हुआ है उसको क्लियर नहीं होने दिया जा रहा उस स्टॉक को जिसके लिए एलसीज आपको खुलवाने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे स्टॉक का इन्फ्लक्स मार्केट में कम हो रहा है, मतलब स्टॉक नहीं आ रहा, न्यू स्टॉक नहीं आ रहा, तो फिर पुराना स्टॉक की जो कैपेसिटी जो क्वांटिटी है वो डिप्लीट कर रही है जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। आने वाले दिनों में ये सिचुएशन और वर्सन कर सकती है क्योंकि अभी तो फिर सर्दियाँ आ गई हैं, डिमांड थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो गई है, आने वाले दिनों में जैसे जैसे गर्मियाँ पास आएंगी वैसे वैसे ये स्टॉक की जो क्वांटिटी है ये और कम हो जाएगी और फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर प्राइसेस तो एक्सपोनेंशियली हाई इस प्रोडक्ट की भी हो जाएंगी। हमने पिछले 5 से 6 साल में जो पैटर्न देखा है, बेशक सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, जिसने सोलर सिस्टम की अडॉप्शन में जल्दी दिखाई है, रैपिडिटी दिखाई है, मतलब अडॉप्ट करने में सिस्टम लगवाना है मोस्ट सूटेबल टाइम जो भी उसके लिए हो, जब फाइनेंसेस अवेलेबल हो, सिस्टम जिसने लगवाया है इन द लॉन्ग रन वो बेनिफिट में ही रहा है, वजह ऐसे कि आप इस बात का वेट करते रहें कि ये 50 रुपये का हो जाएगा, अभी ये 70 का है, मैं फिर जब जैसे ही 50 बॉटम हिट करेगा अपने रॉक बॉटम में तब लूँगा,
तो रॉक बॉटम हिट करते करते आप उतना नुकसान कर सकते हैं कि आप के इलेक्ट्रिक को सेल ही ना करें, क्योंकि ये ऐसी प्रोडक्ट है जो जिसको आपने फॉर लग्जरी यूज़ नहीं करना, ये ऐसी प्रोडक्ट है जो आपके बिल्स की एक्सपेंडिचर को कम करके देती है, आपके बिल्स में भी कमी लाती है और आपको जो आपका एक्सपेंडिचर है उसमें कमी करके देती है। तो आप इसको जितना जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं ये उतना ही जल्दी आपको बेनिफिट देना शुरू कर देती है। जितना जल्दी अडॉप्ट करते हैं उतना फ़ायदा आप ही का रहता है। मोस्ट सूटेबल टाइम में आपने अडॉप्ट करना है कि किस टाइम में आप सिस्टम को अच्छे तरीके से लगवा के अपने सिस्टम अपने घर के साथ अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करके और उसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। उसमें प्राइस में 5 या 10 या 15% का नुकसान या प्राइस की फ्लक्चुएशन उतना मैटर नहीं करती जितना ये मैटर करता है कि आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके उसे बेनिफिट कितना जल्दी लेना शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपके लिए मोस्ट सूटेबल टाइम इस साल का एंड है तो आपको इस साल के एंड में लगवा लेना चाहिए, बजाय ऐसे कि आप वेट करते रहेंगे अप्रैल में, हो सकता है प्राइसेस डिक्रीज करें और फिर मैं अप्रैल में लगवाऊँ। अगर आपके पास फाइनेंसेस अवेलेबल हैं और आपका माइंड सेट है कि मुझे लगवाना है एंड यू अग्री विद द फैक्ट के सोलर सिस्टम्स आपके घर में लगने से आपको फ़ायदा होगा, तो फिर आपको लगवा लेना चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए कि मैं रॉक बॉटम हिट करने का वेट करूँगा। रॉक बॉटम इन द लॉन्ग रन नहीं आया कभी भी, हमेशा प्राइसेस ऊपर ही गई हैं। अगर हम पिछले 6 साल का ट्रेंड निकालें जब से सोलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ पाकिस्तान में, तो प्राइसेस ऊपर ही गई हैं। 30 रुपीज़ का 25 रुपीज़ का पैनल से लेकर अभी हमने 85 रुपीज़ 80 रुपीज़ 75 रुपीज़ यहाँ तक पैनल को हमने जाते हुए देखा है। तो इन द लॉन्ग रन पैनल्स की प्राइस ऊपर ही गई है, 4 रुपये नीचे आती है, फिर 5 रुपये ऊपर चली जाती है, फिर 3 रुपये नीचे आती है, फिर 2 रुपये, फ्लक्चुएशंस माइनर फ्लक्चुएशंस इन द ग्राफ होती रहती हैं। बट जिस भी आदमी ने सिस्टम लगवा के अपने यहाँ एग्जीक्यूट फुली करवा लिया है वो इन द लॉन्ग रन बेनिफिट में ही रहा है। एक तो सेल्फ कंजम्पशन भी कटेल होती है, प्लस नेट मीटरिंग के थ्रू भी आप बेनिफिट लेते रहते हैं, तो इन द लॉन्ग रन आपको बेनिफिट ही होता है। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? देखें, ये बात तो हो गई, मेरा ख्याल बात को आगे बढ़ाते हैं कि और हम किस तरह अपनी एनर्जी से एनर्जी को इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा सकते हैं और क्या तरीके हैं हमारे पास के जिससे हम एज ए इंडिविजुअल लेवल पे हम इनसे जान छुड़ा सकते हैं, टू बी ऑनेस्ट, आसान अल्फाज में। अच्छा, एक और बात ये भी है कि जिन कस्टमर्स ने 10 किलोवाट या 20 किलोवाट पिछले साल लगवाए थे वो भी अभी परेशान है कि यार हमारे तो बिल अभी भी आ रहे हैं। तो एक थोड़ा सा माइंडसेट ये भी समझाने वाली बात है कि देखें अलॉन्ग द वे, अब आपने 10 किलोवाट आज से 1 साल पहले लगाया था जब यूनिट जो था वो यूनिट प्राइस में वेरिएशन थी उस टाइम था 18 रुपये का, ठीक है, आज जो है वो 32 रुपये और कहीं 55 रुपये भी आ रहा है। तो थोड़ा सा अगर जायज़ तरीके से इसका वो आप एनालिसिस करें तो आप खुद देख लेंगे कि आप टैक्सेस कितने लग के आ रहे हैं, अब आपके वो यूनिट कितना महंगा पड़ रहा है। तो अगर उस टाइम 10 किलोवाट लगना था तो आज अगर हम उसको देखेंगे तो आज एटलीस्ट भी 15 और इंस्टॉलेशन आप करेंगे तो फिर आप पिछले साल की स्टेज पे आएंगे, वरना आप फिर परेशान हो जाएंगे कि यार मेरे तो अभी भी बिल बहुत आ रहा है। ये उन लोगों के लिए जो 1 साल 2 साल लगने के बाद भी टेक्नोलॉजी को सही से अडॉप्ट नहीं कर पाए और बस एक उन्होंने लगा के छोड़ दिया था कि यार ये लगाया हमने, इससे इसको बिजली का बिल बस कम कर देना चाहिए था। ये वैसी है जैसे वो मशीनें नहीं आती पंप गैस खींचने वाली, बस इसको गैस खींचते रहनी चाहिए पाइप से। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है कि बस खींचती रहे, इसकी थोड़ी मेंटेनेंस है, नहीं वो पीछे वो पीछे गैस होगी तो वो खींचेगी ना, बस वो जो गैस ये है कि खींचती रहे ना, वो जो गैस खींचने वाली मशीन है वो भी आज यूजलेस हो चुकी है, लाइन में गैस है ही नहीं, वो कहाँ से गैस खींच के आपको देगी? वही पानी की मोटर है, बस पानी खींचती रहे सही है। तो ये ऐसा नहीं है कि बिजली कम करता रहे, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है कि किस लेवल पे आके आपको किस तरह ये बिजली बचा के दे रहा है और किस तरह ये नहीं बचा। देखें, जो सिस्टम का एक पॉइंट है कि अगर एक 10 किलोवाट का सिस्टम आप लगवाते हैं, सिस्टम एट पार है, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं, हाई क्वालिटी मेंटेन किया गया है सिस्टम की इंस्टॉलेशन में, तो फिर सिस्टम की जो जनरेशनल आउटपुट है वो रफली फिक्स रहेगा। सिस्टम अगर 10 किलोवाट का है उसको 1200 से 1400 यूनिट 1200 से 1400 यूनिट्स हर मंथ आपको प्रोड्यूस करके देने चाहिए ऑन एवरेज थ्रू आउट द ईयर। आप टाइम्स बाय 12 कर लें, आपकी मंथली एवरेज निकल आएगी। तो अगर एक सिस्टम 2 साल पहले था ऑन ग्रिड सिस्टम 10 किलोवाट का, जिसमें 10 किलोवाट के सोलर पैनल्स कनेक्टेड थे, तो उसको 1200 से 1400 यूनिट हर मंथ आपको प्रोड्यूस करने चाहिए। 2 साल बाद भी वो आपको 1200 से 1400 यूनिट ही प्रोड्यूस करके देगा, बट 1200 से 1400 यूनिट उस वक्त जो उनका बेनिफिट बनता था वो भी कुछ बनता था ऑफ पीक रेट्स के मुताबिक, जो नेपरा का एक सेट रूल है जो कि बाकी दुनिया में नहीं होता, बट नेपरा का पाकिस्तान का जो रूल है वो ये है कि हम ऑफ पीक रेट्स पे आपसे ख़रीद रहे हैं। आज भी अभी तक जो पॉलिसी चेंजेस की बात हो रही है वो भी सिर्फ डिस्कशन फेज़ में ही है, वो भी इंप्लीमेंट नहीं हुई। तो आज का भी जो टैरिफ स्ट्रक्चर है, नेट मीटरिंग का बेनिफिट स्ट्रक्चर है, वो भी सेम है। आज का जो इन्होंने इम्प्रूव किया है, जो इंक्रीज़ किया है ऑफ पीक टैरिफ को, आपको भी उसी इंक्रीज्ड ऑफ पीक टैरिफ के मुताबिक ही बेनिफिट मिल रहा है। बट हुआ यह है कि पहले जो टैक्सेशन होती थी, जो टैक्सेशन का चंक होता था एक बिल में, वो उतना नहीं होता था जितना आज हो गया है।
तो वो जो पैसों में कन्वर्ट होता है उसका बेनिफिट वो आपके लिए आज मार्जिनली कम हो गया है। दूसरी बात ये भी हुई है कि आपकी कंजम्पशन में भी फ़र्क आ सकता है। आपकी कंजम्पशन हो सकता है 2 साल पहले कुछ होती हो और 2 साल बाद कुछ होती हो। जैसे जैसे फैमिलीज़ का साइज़ बढ़ता है आपकी कंजम्पशन बढ़ती है, आप एयर कंडीशनिंग ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो दैट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर्स कि आपके लिए 10 किलोवाट का सिस्टम सफिशेंट ना हो। मेजर जो जिन लोगों का फैमिली साइज़ नहीं इंक्रीज़ किया, जिनके कंजम्पशन में भी फ़र्क नहीं आया, जिनके नंबर ऑफ़ यूनिट्स इन्होंने 2 साल पहले भी 500 यूनिट लेट से यूज़ कर रहे थे बिजली के इन अ मंथ और आज भी 500 यूनिट्स की कंजम्पशन है उनकी, अगर उनके बिल्स में भी इंक्रीमेंट आ रहे हैं तो उसकी बड़ी क्लियर सी वजह है, या तो आपका सिस्टम उतने यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहा ड्यू टू सम मैल फंक्शन, या ड्यू टू इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, या ड्यू टू मिस इंस्टॉलेशन, या फिर ड्यू टू डिग्रेडेशन कि आपका सिस्टम जो है वो एट पार नहीं था। अगर ये सारी इसमें ये भी वजह है ना कि 500 यूनिट जिसका पिछले साल आ रहा था उसका बिल पिछले साल 10,000 रुपये था, आज उसका बिल 20,000 हुआ हुआ क्योंकि उसमें टैक्सेस बढ़ा दिए। यही तो बात है, अगर आपका सिस्टम आज भी अगर आज परफॉर्म हाँ अगर तो आपके यूनिट ही उतने नहीं बना रहे तो फिर आपके सिस्टम में मसला है, फिर उसको चेक करवाएं, या तो आप पैनल्स को साफ़ नहीं कर रहे, या आपकी वायर्स में लॉसेज आ गए हैं, वायर्स पुरानी हो गई हैं, या आपके कोई और सिस्टम में कोई कॉम्पोनेंट जो मेल फंक्शन कर रहा है। अगर वो सब ठीक है और सिस्टम उतने ही यूनिट बना रहे जितने उसे बनाने चाहिए, तो देन दी ओनली प्रॉब्लम कैन बी कि आपकी कंजम्पशन बढ़ी है, तो आप यूनिट्स टैली करके मैच कर सकते हैं। अगर आपकी कंजम्पशन भी नहीं बढ़ी और फिर भी बिल ज़्यादा आ रहा है, तो फिर आप कैलकुलेट क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लें कि आपके बिल्स में टैक्सेशन का कितना चंक अब लग कर आ रहा है। ऑफ पीक टैरिफ में तो जो 30% 35% 40% इंक्रीमेंट आया है फ्यूल एनर्जी प्राइसेस की वजह से, वो तो आया ही आया है, उसके अलावा फ्यूल एडजस्टमेंट पहले लग के आई थी कितनी लग के आई थी, अभी कितनी लग के आई है, उसके अलावा जो इनकम टैक्स भी लग के आ रहा है और GST भी लग रहा है और जितने भी मद में आपको टैक्सेस लग रहा है उसका कितना चंक है, उसका कितना बर्डन पड़ रहा है आपके पर यूनिट के टैरिफ के ऊपर, तो वही सारा चंक होगा जो आपके टोटल बिल को अब स्काई रॉकेट करवा के एस्केलेट करवा के बैठा हुआ है। तो अगर आपको उसको आज नेट करना है, उसको अगर आपने एडजस्ट आज करवाना है इफ़ यू गो फॉर एन ऑन ग्रिड सिस्टम, अगर आपने फिर भी बोलना है कि मैं ग्रिड से कनेक्टेड रहूँगा जो मुझे एक्स्ट्रा चार्ज करती रहती है बट टैक्सिंग मी ऑन इनकम टैक्स ऑन माई इलेक्ट्रिसिटी बिल, जबकि अलग से भी टैक्स जो पे करता है उसको इनकम टैक्स यहाँ पे, ठीक है एक एडजस्टेबल चीज़ है, यू कैन ऑलवेज ऑफसेट इट इन योर फाइनल टैक्स रिटर्न्स, बट बिजली में लगा के भेज देना, उसके अलावा GST लगाना, एक्स्ट्रा GST लगाना, म्यूनिसिपल के चार्ज जो भी समझ आए वो भी लगा देना, फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस भी लगा देना, वो किस मेथड के थ्रू कैलकुलेट की गई किसी को नहीं क्लैरिटी, MDI का भी एक पेनल्टी लगा रहे हैं वो भी किसी को नहीं पता, वेरिएबल चार्ज के मद में फिक्स चार्ज के मद में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो टैरिफ ये लगा के दे रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ना किसी को समझ आती है वो किस तरह लगा के दी, क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन मैकेनिज्म है वो बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो अगर आपने फिर भी इन्हीं के साथ चिपके रहना है और इन्हीं से बिजली खरीदनी है और फिर इन्हीं को बेचनी है बाई इम्प्लीमेंटिंग एन ऑनग्रिड सिस्टम, तो देन दी ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर यू इज़ टू अपसाइज योर ऑनग्रिड सिस्टम। अगर आपका पहले 10 किलोवाट का सिस्टम काम करता था और आपको बिजली के बिल में सब्सटेंशियल कमी करके देता था और आज वो नहीं कर रहा, तो आपके पास यही ऑप्शन है कि आप उसको बढ़वा लें, 20 किलोवाट कर लें, 30 किलोवाट कर लें, 40 किलोवाट कर लें, जितने आपके फाइनेंसेस आपको इजाज़त देते हैं और जितना बेनिफिट आपको अवेल करना है। अगर आपको बिल ज़ीरो करना है तो डिपेंडिंग ऑन योर बिल एट द मोमेंट आप 30-40 किलोवाट जितना भी अफोर्ड करते हैं और आपका बिल ज़ीरो हो जाता है आप वो लगवा लें। ऑनग्रिड सिस्टम्स का तो बड़ा क्लियर सा मैकेनिज्म है, वो पहले आपको पावर देते हैं उसके बाद एक्सेस बिजली के इलेक्ट्रिक के बापडा को सेल करके आपके बिल को रिड्यूस करवा देते हैं। बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी स्मार्टर देन दैट, अगर आप उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अप्रोच अपनाना चाहते हैं तो फिर आप ऑफ द ग्रिड चले जाएँ, आप ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सिस्टम की अडॉप्शन की तरफ जाएँ जिसमें आपके पास बैटरी बैंक्स अपने मौजूद हों, आप अपनी प्रोडक्शन करें ड्यूरिंग द डे, सेल्फ कंज्यूम भी करें ड्यूरिंग द डे इन रियल टाइम, उसके बाद एक्स्ट्रा जो आप एनर्जी प्रोड्यूस करें उसका आप अपने बैटरी बैंक्स में स्टोर करें और रात के वक्त की जो आपकी कंजम्पशन है उसको आप सेल्फ कंज्यूम करें क्योंकि आपने दिन के वक्त वो स्टोर कर ली होगी। इसमें आपके पास ये ऑप्शन निकलता है कि यू कैन ऑलवेज कट ऑफ फ्रॉम द ग्रिड, जब आप ग्रिड से कट ऑफ हो जाते हैं तो फिर ना आपको टैरिफ पे करना पड़ता है बिकॉज यू नॉट कंज्यूमिंग फ्रॉम द ग्रिड, नाइदर कैन दे चार्ज यू ऑन योर टैक्सेस क्योंकि आप उनके अब कंज्यूमर नहीं रहे, जो उनका कंज्यूमर नहीं है उसको तो वो चार्ज नहीं कर सकते ना, तो फॉर द टाइम बीइंग अभी वो किसी को भी चार्ज नहीं कर सकते जो उनका कंज्यूमर नहीं है। तो आप रह भी सकते हैं उनके साथ, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपको 50-60 यूनिट का बिल आता भी रहे तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि अगेन आपके लिए तो वो बैकअप है ना, और आपको उनकी ट्रांसमिशन लाइन चलाने के लिए तो आपको पैसे नहीं देने पड़े ना, उनके जनरेटर चलाने के लिए देने पड़े। अभी आप इतने स्मार्ट हो चुके हैं कि मेरा सिस्टम पूरा है और मैंने एक बैकअप पे के इलेक्ट्रिक को रखा हुआ है, दैट्स गुड इनफ। अगर आपके लिए फीजिबल है, अगर वो इतना माइन्यूट आपको टैक्सेशन का बिल आ रहा है कि वो अफोर्डेबल है आपके लिए, तो देन यू कैन ऑलवेज कीप दैट एज अ बैकअप, दैट इज ऑलवेज गुड टू हैव
कि इलेक्ट्रिक और वापडा एज अ बैकअप, बट उसमें भी आपने बात इंश्योर करनी है कि वो इतना टैक्सेशन ना लग के आपको आ रहा हो सिर्फ मीटर कनेक्शन चार्जेस के नाम पे कि वो अनसस्टेनेबल हो जाए और आपके लिए बेकार हो जाए. तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मीटर, उस पर लोड सैंक्शन क्या हुआ है. बड़ी क्लियर सी बात है, अगर एक सिस्टम आपको डिसएडवांटेज कर रहा है उसके साथ कनेक्ट रहने का, तो फिर यू हैव टू गो फॉर अदर ऑप्शंस. अगर आपको डिसएडवांटेज है पेट्रोल या डीजल गाड़ियां रन करने का, तो देन यू हैव टू गो फॉर अ सोल्यूशन वेयर बाय यू डू नॉट यूज़ पेट्रोल और डीजल एज योर मोबिलिटी टूल, तो फिर आप इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ आ जाएं. अब अगर इलेक्ट्रिक कार्स आज भी अगर आपके इलेक्ट्रिक से वापडा से चार्ज करें और या आप सोलर सिस्टम से चार्ज करें, सॉरी अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी को अपने के इलेक्ट्रिक से चार्ज करते हैं, तो भी वो 3 से 4 गुना सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अ पेट्रोल बेस्ड कार. मतलब अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाने का 1 रुपये पर किलोमीटर की कॉस्ट है, ये मेड अप नंबर्स हैं, वी जस्ट कंपेयरिंग, अगर 1 रुपये 1 किलोमीटर की कॉस्ट आती है इलेक्ट्रिक गाड़ी को रन करने की बाई चार्जिंग इट यूजिंग के इलेक्ट्रिक या वापडा, तो अगर पेट्रोल गाड़ी को 1 किलोमीटर रन करेंगे तो 4 रुपये की कॉस्ट आती है. इतना फ़र्क तो अभी एग्जिस्ट करता है. तो फॉर योर मोबिलिटी प्रॉब्लम्स ऑल्सो वी हैव टू गो टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी. एडिशनली अगर आप अपने आप को ग्रिड से कट ऑफ करते हैं, तो फिर आप सोचेंगे कि मैं अपनी गाड़ियाँ कैसे चार्ज करूँगा और मैं जो भी इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा हूँ वो कैसे उसको सस्टेन करूँगा. तो अगेन यू हैव योर ऑप्शंस. कार चार्जर्स कैन ईजिली रन ऑन सोलर सिस्टम्स, देर इज़ नो प्रॉब्लम. ये पुरानी माइंड सेट है कि हाई लोड डिवाइसेज सोलर सिस्टम्स पर नहीं रन कर सकती. एयर कंडीशनिंग जितने भी बड़े हों, टॉक डिवाइस हाइब्रिड सिस्टम पर भी कर जाती हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है. अगर लोड साइजिंग सही से हुई भी हो तो हाइब्रिड सिस्टम पे भी कार चार्जिंग भी हो जाती है, और जितने बड़े से बड़ा टॉर्क डिवाइस है आपके पास वो सारी कनेक्ट हो जाती है. टॉर्क को मैनेज करना होता है, जो हाई रश इन रश करंट होता है उसको मैनेज करना होता है. प्लस जो कार चार्जर्स हैं उनमें भी एक ऑप्शन होता है कि वो स्लाइटली इंक्रीमेंट करते हैं अपने करंट को, तो वो भी थोड़े से स्मार्ट बनना शुरू हो गए हैं. प्लस आपका जो सिस्टम है, इफ़ यू ओवरसाइज योर सिस्टम, जो इन्वर्टर की कैपेसिटी अगर आप उसको अपसाइज करवा लें, तो देन देर इज़ नो इशू एज लॉन्ग एज के जो वायरिंग के साइज़ हैं, वायरिंग के गेज हैं, कनेक्शंस हैं, MCBs, MCCBs हैं, वो सारी ओरिजिनल ए ग्रेड की इस्तेमाल की गई हैं और उसमें कोई मिस इंस्टॉलेशन नहीं हुई, तो देन देर इज़ नो इशू. बड़ी क्लियर सी बात है, कंज्यूमर्स को इन द लॉन्ग रन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल गोल्स और अपनी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्लानिंग करनी पड़ेगी इफ़ दे वांट टू स्टे एंड लिव इन दिस कंट्री पीसफुली. नॉट ओनली इन दिस कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस थ्रू आउट द वर्ल्ड आया हुआ है. एनर्जी की प्राइसेज जो हैं वो स्काई रॉकेट पूरी दुनिया में करी हैं, पाकिस्तान में भी करी हैं और बाकी दुनिया में भी करी हैं. अब कंपेरिजन आप कर सकते हैं कि कहीं ज़्यादा हुई होंगी, कहीं कम हुई होंगी, कहीं किसी ने लेवी लगा दी होगी, कहीं किसी ने लेवी को नहीं लगाया होगा. तो पाकिस्तान में जो इंक्रीमेंट हुआ है प्राइसिस की वजह से, उसमें पाकिस्तान का अपना हाथ तो है ही है और इंटरनेशनल हाथ भी है कि जो इंटरनेशनल कमोडिटी की प्राइसिस थी एनर्जी की वो भी बढ़ी हैं. उसको ओवरकम करने का एक ही सिनेरियो है कि आप अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस की तरफ आ जाएं, सेल्फ क्रिएशन की तरफ आ जाएं, सेल्फ जनरेशन की तरफ आ जाएं और फिर उसको सेल्फ कंज्यूम कर लें. ये दो डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं. एक पहले सेल्फ जनरेशन आपने करनी है, जो कि हम नहीं करते थे अभी आप 5, 8, 10 साल पहले तक हम सेल्फ जनरेशन कुछ नहीं करते थे. हम बिजली अपने एंड पे प्रोड्यूस नहीं करते थे, बिजली हम नेशनल प्रोवाइडर से ही लेते थे. तो आपने अभी पहले अपने एंड पे जनरेशन करनी है बाय इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स. उसके बाद आपने जो सेल्फ जनरेशन करी है उसको सेल्फ कंज्यूम भी करना है. ये जो ऑन ग्रिड सिस्टम्स का मैकेनिज्म है, ये उन एरियाज़ के लिए है, सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे ग्रिड रिलायबल हो और ग्रिड चीट ना करे आपको. यहाँ की ग्रिड आपके साथ चीट करती है, आपको धोखा देती है, आपसे सस्ता यूनिट खरीद के आपको महंगा दे देती है. अपना उसने एक मैकेनिज्म तय किया हुआ है कि ऑफ पीक यूनिट का रेट ये है और ऑन पीक यूनिट का रेट ये है. और वो पीक यूनिट ही वो है जब हमारा सोलर नहीं होता, जब हमारा सोलर नहीं होता. प्लस उन्होंने अपने तहत एक मैकेनिज्म सेट किया हुआ है कि ऑफ पीक यूनिट दिन दिन में होगा जब आप हमें बेचेंगे, और ऑन पीक यूनिट वो होगा जब आप हमसे फुली जब ऑफिस से घर आ गए. 6 से 10 बजे का मुझे सुख समझ नहीं आई कि कैसे इनका पीक यूनिट है. इस टाइम कौन सा पीक यूनिट है, जब इंडस्ट्री बंद हो गई, सारे ऑफिस वाले घर चले गए, इनका पीक यूनिट शुरू हो गया कि घर जाते क्या करते हैं, सारे कूद जाते हैं, सब एसी ऑन कर लेते हैं, सारी आयरन करना शुरू कर देते हैं, वॉशिंग मशीन चलाना शुरू कर देते हैं. फिर जब ऑफिस में बैठे थे तो वहाँ तो एसी चल रहा था ना, तो वो लोड इनका ख़त्म हो गया. और ये बेतुकी मंतक है सिर्फ. अच्छा, ऑफ पीक जो ऑन पीक और ऑफ पीक का जो मैकेनिज्म डिराइव किया हुआ है वो सिर्फ डिमांड बेस्ड तो नहीं हो सकता ना, वो जनरेशन पे भी तो, जनरेशन से भी तो उस पर फ़र्क पड़ता है ना. कि अगर 100 यूनिट की डिमांड है और आप बोलेंगे 100 यूनिट की डिमांड हम ऑन पीक क्लासिफाई करते हैं, और दिन में 80 यूनिट की डिमांड थी वो ऑफ पीक में आ गया, तो भाई 100 यूनिट की जब डिमांड थी तो आप उसके लिए प्लांट्स अपसाइज कर लो ना, ऐसे प्लांट लगा लो जो 120 यूनिट बनाते हो, तो वो जो ऑन पीक है वो ऑफ पीक की कैटेगरी में भी तो आ सकता है ना. तो ये एक बेवकूफ़ बनाने वाली स्कीम है. इसमें ऑन पीक और ऑफ पीक अपनी मर्जी से क्रिएट करके ऐसे टाइम पर आप ऑन पीक क्रिएट कर देते हैं जब कोई उनको सेल ना कर सके. अब अगर आपने ऑन पीक टाइम्स में इनको सेल करना है तो देन यू हैव टू इंस्टॉल बैटरीज.
अगेन ग्रिड से चिपके रहेंगे आप, ग्रिड को बेच रहे होंगे, हिसाब भी वो रखेंगे आपका, टैक्स भी आप पे वो लगा देंगे, जो आप सेल करते हैं उस पर भी अब वो विदहोल्डिंग टैक्स कुछ लोगों का कट रहा है, कुछ लोगों का कट रहा है, कुछ का भी नहीं कट रहा। अगेन नॉन ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है, आपने ग्रिड को जितना बेचना है आप बेचते रहें। आसान आसान शॉर्ट टर्म हल यही है कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लें और ग्रिड को बेचते रहें, और फिर ग्रिड आपको महीने के बाद नेट करके और ज़ीरो के आसपास ला के या नेगेटिव में भी ले जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन आप कितना प्रोड्यूस करते हैं। बट अगर आपने थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है और लॉन्ग रन प्ले करना है, जो कि इस मुल्क में बहुत थोड़े लोग प्ले करते हैं, तो देन यू हैव टू गो ऑफ ग्रिड, देर इज़ नो अदर वे। और अगर आपने फिर भी ग्रिड के साथ चिपके रहना है और इन्वेस्टमेंट भी आपने वैसे ही उसी बेस पे करनी है, तो फिर आप हाइब्रिड सिस्टम लगवा लें कि ठीक है, यू गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यू कैन ऑलवेज सेल टू द ग्रिड, उसमें वो कैपेसिटी है, वो फीचर है, और आप सेल्फ कंज्यूम भी कर सकते हैं बिकॉज हाइब्रिड सिस्टम है, उसमें बैटरीज का ऑप्शन ऑलवेज मौजूद होता है। तो बड़ा बेकार सा सिस्टम है जो नेशनल ट्रांसमिशन नेशनल जनरेशन का है। अपने एंड पे उन्होंने जो टैरिफ है उसमें वेरिएबल चार्जेस भी फिक्स कर लेने हैं। भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर उनकी वेरी कर सकती है तो आपकी वेरी नहीं कर सकती क्या? आपकी भी तो वेरी कर सकती है ना। आप डिसएडवांटेज भी तो होते हैं ना, मौसम की वजह से, बारिश की वजह से, मिट्टी की वजह से, गर्मी की वजह से, आप पे भी वो लगा दें फिर वेरिएबल चार्ज जो है इन्होंने क्या निकाला हुआ है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट किस बेस पे होती है? जो कॉस्ट ऑफ बाइंग थी उसकी बेस पे होती है ना, तो उसको फिक्स कर दें फिर। जिस बंदे ने सिस्टम इंस्टॉल किया 2015 के पहले क्वार्टर में, उसकी ये प्राइस आएगी, उससे हम इस रेट पे बाय करेंगे। हैं प्लांट जिस कंपनी ने जब लगवाया उसकी बेस पे भी तो ये उसके अग्रीमेंट्स में लिखते हैं ना कि ये इस रेट पे हम आपसे खरीदेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ तंग करने वाली बातें हैं। याद है एक क्लाइंट का तो 500 रुपीज़ पर यूनिट लगाया हुआ था। बिल्कुल लगाया 500 रुपीज़ पर यूनिट, वो इसलिए कि वो यूनिट कम थे और वो टैक्सेशन का इतनी भरमार थी कि वो ओवरवेलम कर दिया पर यूनिट रेट को उसने। तो मतलब 500 रुपये का 200 यूनिट होंगे तो वो 500 रुपये का यूनिट बन गया था। वो उसमें यूनिट का टैरिफ अगर आप उल्टा करके देखेंगे बैक साइड पे, तो वही लगा हुआ था ऑफ पीक का। नहीं, एक में यूनिट भी 500 रुपये लगाया है इन्होंने, मैं भी आपको शो करवाता हूँ। एक भी यूनिट ही इन्होंने 500 रुपये, 6 यूनिट उनके लगाए, एक अपनी वो बना ली, वो पेनल्टी लगा, हाँ कि 6 यूनिट आपके 500 रुपए से पड़े। वो पेनल्टी था, वही मैकेनिज्म है ना, वो ऑफ 500 रुपए का उन्होंने ऑफ पीक भी नहीं छेड़ा कि आप कंटेस्ट ना कर लें कोर्ट में जाके, ऑन पीक को भी नहीं छेड़ा कि जी वो तो फिक्स टैरिफ है ना, हम इस पे वेरिएबल पेनल्टी लगा देते हैं। तो ठीक है, आप शहनशाह हैं, आप जो मर्जी कर लें, हमारी गलती ये है कि हम आपके वो हैं, आपसे खरीदते हैं, बिजली खरीदते हैं और सेल्फ कंज्यूम करते हैं, तो गलती उनकी तो है ही है, हमारी भी है कि हम उन्हीं के साथ चिपके हुए हैं। जब सेल्फ जनरेशन आप कर सकते हैं, देखिए यही तो बात है, इसको दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले लें, जो आपका ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, पब्लिक मास ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है, एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। तो जब नहीं करता तो फिर हर किसी ने अपनी कोशिश अपने तहत कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ लिया हुआ है ना, किसी ने मोटरसाइकिल ली हुई है, किसी ने गाड़ी ली हुई है, किसी ने और बड़ी गाड़ी ली हुई है, किसी ने कोई वैन को यूज़ करता है, कोई ऊबर को यूज़ करता है, कोई करीम को यूज़ करता है, कोई रिक्शा को यूज़ करता है, किसी ने जहाज़ ले लिए, किसी ने जहाज़ लिए में, कोई कार पूलिंग कर लेता है, कोई वैन्स के थ्रू बच्चों को स्कूल भिजवा देता है। तो सब ने अपने अपने प्रॉब्लम्स को उनके सॉल्यूशंस डिराइव किए हुए हैं, कोई चिपक नहीं गया कि अब इसी बस के ऊपर बैठेंगे, बस नहीं चलेगी तो काम नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ऐसे तो नहीं है ना। तो अगर एनर्जी के सेक्टर में भी अब ऐसी सिचुएशन आती जा रही है, अब से तो नहीं आई, खैर ये तो बहुत पुरानी आती जा रही है, जब से लोड शेडिंग स्टार्ट हुई थी, तो वी शुड हैव गॉन फॉर इंडिपेंडेंट सिस्टम्स जहाँ पे हम एनर्जी कट ऑफ करके ग्रिड से हम ऐसे पॉइंट पे आ जाते, बट वी नेवर डिड दैट। आज भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम एनर्जी इंडिपेंडेंस अख्तियार कर लें और ग्रिड से दूर हो जाएं, क्योंकि ग्रिड के जो मसाइल हैं वो किसी ने लगता नहीं है कि सॉल्व करने हैं इस मुल्क में या किसी भी इस मुल्क से हट के। इंटरनेशनली भी लोगों के पास फाइनेंसिस जिनके पास अवेलेबल हैं वो ऑफ द ग्रिड अपने एंड पे होम यूज़र लेवल पे जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे तो एनर्जी का मिक्स चाहिए होता है, तो उसमें एक मेजर इंडिपेंडेंस अब सोलर के ऊपर आती जा रही है। और कमर्शियल लेवल पे तो बड़ा इजी होता है, क्योंकि कमर्शियल ऑपरेशंस बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके कमर्शियल ऑपरेशंस ड्यूरिंग द डे होते हैं, तो दे आर मोस्ट सूटेड। उनको बैटरी बैंक से भी बड़ी लिमिटेड रिक्वायरमेंट होती है, रात के वक्त का जो उनका लोड होता है वो सिर्फ नॉमिनल सा लोड होता है, जिसमें CCTVs होते हैं, बाउंड्री लाइट्स होती हैं, थोड़ा बहुत ऑफिस लोड होता है, जो ऑफिस थोड़ा बहुत रात को रन कर रहा होता है, फुल कैपेसिटी में वो रात को नहीं रन कर रहा होता। तो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस तो मेजरली ऑफ द ग्रिड जा चुके हैं और सोलर सिस्टम्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो मोस्ट सूटेड है। रेजिडेंशियल लेवल पे भी बहुत सारे लोग लगवा रहे हैं जिनको समझ आ रही है, जिनको समझ नहीं आ रही वो अभी भी ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं, या वो दूसरी तीसरी बातों की तरफ ध्यान दे रहे हैं कि अभी भी कोई इशू नहीं है, अभी भी हम बिजली का बिल देते रहेंगे। तो बिजली के बिल के थ्रू आपने देखा है इन्होंने कैसे तंग किया लोगों को, आगे भी करते रहेंगे। तो इनका तो यही लग रहा है कि इनका फोकस इसी पे है कि बिजली के बिल के थ्रू ही हम सारा का सारा टैक्स आपसे, इनकम टैक्स जो आपका बनता है साल पीछे, हम पहले ही आपसे ले लें, फोर्सफुली ले लें, और फिर जो आपने साल बाद बाकी मदों में इनकम टैक्स दिया हुआ होगा वो फिर आप कैसे एडजस्ट करवाएंगे? पे बैक तो कोई करते नहीं है ये, तो
तो आप एक्सेस इनको टैक्स दे देंगे, प्लस इनकम टैक्स तो चलें फिर क्लेमेबल है, जो जीएसटी ले लेते हैं आपसे और एक्स्ट्रा जीएसटी ले लेते हैं, आप फर्दर जीएसटी ले लेते हैं और उसके बाद तीन चीज़ें और लगा लेते हैं, और फिर आप पे वेरिएबल पेनल्टी अलग लगा देते हैं और एमडीआई के चार्जेस भी अलग लगा देते हैं। तो कंज्यूमर के ऊपर है, कंज्यूमर ने ऐसे वेंडर के साथ चिपके रहना है तो सौ बिस्मिल्लाह, क्या कह सकते हैं, वेंडर तो गलत है ही है, कंज्यूमर भी फिर अपने तहत ऐसे वेंडर के साथ चिपका रहे कि जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करे उसे और पूरे दिन तंग करता रहे। असल में इसमें हमने एज अ नेशन सोचा नहीं है कभी कि हम इससे इंडिपेंडेंस ले सकते हैं। आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने सोचा, गवर्नमेंट ने हमें इतना लताड़ा कि कोई हमें ट्रांसपोर्ट नहीं दिया एज अ कराची गेट्स को, और हमने अपने सोल्यूशन निकाल लिए, बाइक्स खरीद ली, गाड़ियाँ खरीद ली, चिंची चला लिए, रिक्शे चला लिए, पर इलेक्ट्रिसिटी में अभी इन्होंने हमें तंग करना शुरू किया है। सही है, तो तब हमें समझ आ रही है, हम पहले तो खुद सोचते नहीं है ना, अब हमें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है, तो अब वी हैव टू कम अप विद सम सॉल्यूशंस कि हम इन लोगों से दूर रहें और हम इसमें भी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जब ट्रांसपोर्ट में भी तो होगा ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है ना, कोई ट्रेन तमीज़ से चलती है, टाइम से चलती है, हमें इंटर सिटी भी कहीं ट्रैवल करना हो तो हमें खुद ही करना है, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं ठीक है, करता। हमें खुद ही करना है ना, हाँ तो हमें तो, और पाकिस्तान में तो हम खुद ही कर रहे हैं जो भी हमें करना है, तो इधर भी हम जब समझ जाएंगे ना जल्दी, तो फिर हम खुद ही शुरू कर देंगे। इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इस टाइम पे मार्केट में, आप बड़े आराम से इंडिपेंडेंस इख्तियार कर सकते हैं ग्रिड से, और आपकी जान छूट जाएगी, जैसे आपकी जान ट्रांसपोर्ट में छूटी हुई है, और उसमें और ज़्यादा अच्छी तरह छूट जाएगी कि जब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी होंगी, इलेक्ट्रिक ओवन्स भी होंगे, इलेक्ट्रिक स्टोव्स होंगे, इलेक्ट्रिक बॉयलर्स होंगे, पूरा घर पहले इलेक्ट्रिक है, आपके जो इंडस्ट्री है उसमें जो गैस के बॉयलर्स है उसको इलेक्ट्रिक बॉयलर्स कर लेंगे आप टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जब चले जाएंगे और साथ सोलर लगाएंगे, बैटरीज लगाएंगे मेगावाट्स की, आपको कहीं उठा के मुंह अपना देखना नहीं पड़ेगा। यही बात है, इसकी आप एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर आप एक रिमोट एरिया में रहते हैं, लेट्स से आप किसी गांव में रहते हैं या किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, बहुत सारे आपने माउंटेन्स रिमोट एरियाज कोई आइलैंड खरीद लिया कनाडा है, में बैठे है, हुए आप यूएस आइलैंड में, पे, बिल्कुल आपका फर्ज करें ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप अच्छी सेट, एग्जाम्पल देंगे तो लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ आएगा ना, पाकिस्तान का गाँव बोलेंगे तो मुश्किल वो हो जाएगा, लगेगा मैं तो गाँव वाला हूँ नहीं ना, तो वही मैं तो गाँव बाहर वाला, हो तो जाएगी, तो आप बिल्कुल एक काम करें आइलैंड बोल आप दें, कनाडा आइलैंड, के आप आइलैंड में कनाडा चले के एक जाएं, आइलैंड है, रिमोट आइलैंड है, बस वहाँ बहुत धूप बहुत है, बस खूबसूरत एरिया है, बहुत धूप है, चलें कनाडा का फिर आइलैंड नहीं लेते ना, फिर यूएस का आइलैंड ले लेते हैं चलेंगे या उसे ऑस्ट्रेलिया का, कोई आप ऐसी देखिए। लोकेशन है जो बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, आउट क्लास लोकेशन है, सनलाइट की अबंडेंट अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, बट अगर नेशनल ग्रिड से आपको कनेक्शन चाहिए तो वन फीजिबल है, फाइनेंशियली हो या फिर जो भी वजह हो, तो फिर आप क्या करेंगे ऐसी लोकेशन पे, आप ऑफ द ग्रिड जाएंगे, तो फिर ऑफ द ग्रिड में आपके पास क्या ऑप्शंस है, आपको दिन के वक्त रियल टाइम में अपनी पावर चाहिए और फिर आपको शाम में अपनी बैटरी बैकअप चाहिए ताकि आप शाम निकाल लें, तो ऐसे कितनी प्रोजेक्ट्स लाइव हो चुके हैं दुनिया भर में, काउंटलेस, बहुत हैं, आप ठीक अभी है, गूगल करें आपको दिख जाएंगे, अगर ये काउंटलेस लाइव हो चुके हैं और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और वो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, उसके सिमिलर प्रोडक्ट्स अवेलेबल बिल्कुल, हैं, अगर वो व्हाई प्रोडक्ट्स, नॉट, तो फिर देन व्हाई डोंट वी डू इट, वो तो चले रिमोट आइलैंड में, रिमोट लोकेशन में उनके पास ऑप्शन ही नहीं था ना, देन दे डिड, और फिर करने के बाद क्या हुआ कि वो बेहतर ही रह गए, क्योंकि सिंस यू आर नॉट कनेक्टेड टू द ग्रिड, आप अपनी कंजम्पशन को खुद भी कम करते हैं, आप ओवर यूज़ करके वेस्ट भी नहीं करते एनर्जी रिसोर्सेज को, अब आपको पता है कि आपने खुद ही मैनेज करना है, आपने खुद ही प्रोडक्शन करनी है, खुद ही बैटरी में स्टोर करनी है, और फिर आप अपनी जो आपकी कंजम्पशन होती है आप उसको भी ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं कि मुझे अपनी कंजम्पशन को ना ही बिजा ज़ाया करना है चीज़ों को, और ना ही मैंने इतना बेकार कंजम्पशन कर लेनी है कि फिर मुझे बिजली ना मिल रही और मैं कंफर्टेबल भी ना हूँ, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ, आप ही को फ़ायदा हुआ ना, कि सिस्टम भी आपके ऊपर है, रिलायबल सिस्टम है, विदाउट मूविंग पार्ट्स है, लिटिल टू नो मेंटेनेंस है, नो कार्बन एमिशंस हैं, और सस्टेनेबल भी है और अफोर्डेबल भी है, और इन द लॉन्ग रन लेवलाइज कॉस्ट ऑफ जो एनर्जी है वो 10 से 15 टाइम्स सस्ती पड़ी आपको एज़ कम्पेयर टू एन इलेक्ट्रिकल नेशनल ग्रिड, तो फ़ायदा किसका हुआ, आप ही का हुआ ना, इनिशियल अपफ्रंट कॉस्ट थी, सेटअप कॉस्ट थी, बट इन द लॉन्ग रन आपने अपना फ़ायदा किया, तो पर शहरों आपने तो में अपने सेटअप पे कॉस्ट लगाई ना, किसी और के भी नहीं लगाई, कि इलेक्ट्रिक को बोलेंगे तो वो बोलेगा लव पीएमटी के पैसे जमा कराओ, मैं पीएमटी लगा देता हूँ, और पीएमटी अगेन उसी का है, आपका नहीं है, वो सारे वायरिंग फायरिंग सब उसी की उसके है, बाद जो वहाँ से लाइन बिछेगी आपके ये प्रेमिसेस हमने तक, देनी वो है। हाँ तारों पे सारे पैसे लगा लिए, हाँ जनरेशन पे कोई नहीं लगाए, उसकी ट्रांसमिशन पे लगा और लिए, अभी तो हर महीने उसको पैसे देने हैं, अब और वो ये ऊपर नीचे करता रहेगा, वो भी वेरी करता वो कभी रहेगा, कोई रेट लगा देगा, कभी कोई रेट लगा देगा, इधर सॉरी आपने सारा जो स्ट्रक्चर है, सारा जो मटेरियल है वो आपका अपना है, और जो यूनिट कॉस्ट है वो कुछ भी नहीं है, ओनरशिप भी जीरो आपकी है, है, देखो ओनरशिप लॉन्ग टर्म में यूनिट कॉस्ट भी कोई नहीं है यूनिट ना, कॉस्ट 10 से 15 वो गुना आप उसको सस्ती है, डिवाइड करते हैं, देखिए वो भी आप प्रैक्टिकली उसको 25 ईयर्स पे डिवाइड करके कॉस्ट निकालते हैं, पर वंस आपने एक इंस्टॉलेशन कर दी तो फिर कॉस्ट तो नहीं है ना कोई,
नहीं, सिस्टम की लाइफ ही तो कॉस्ट हम ऐसे निकालेंगे ना, कोई कंपैरिजन तो हमने करना है ना। वो आप कर ले, पर प्रैक्टिकली तो आपको जेब से और तो नहीं देने ना। अगर आप एक दफा बोल दें मैंने ये $20,000 का लगा लिया सिस्टम, आप मुझे दोबारा नहीं देने, तो आपको नहीं देने। ठीक है, ऑन दी अदर एंड जो PMD के 20,000 देने वो तो देने, और उसके बाद बिजली की कॉस्ट भी देनी है आपको। सही है, उससे कंपेयर करेंगे। देखें, जहाँ पे आपको सेटअप भी खुद लगवाना है वहाँ तो कोई कंपैरिजन रहा ही नहीं, वो बात ठीक है। कि जहाँ पे बिजली अवेल करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी पैसे देने पड़ रहे हैं, वहाँ तो फिर आउट हो गई, बात ही ख़त्म हो गई। वहाँ सोलर सिस्टम इज़ मतलब मल्टीपल वेज़ में आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रह गया। लेकिन अगर हम होम ओनर के लिए बात करें जिसके यहाँ PMT भी अवेलेबल है, जिसको लाइन कनेक्शन लाइन अवेलेबिलिटी के चार्जेस ज़्यादा नहीं देने पड़ते, 5,000-10,000 रुपये दे के अगर वो बिजली को अवेल कर सकता है कि इलेक्ट्रिक की, वो फिर इस तरह कंपेयर कर सकता है कि लेवलाइज कॉस्ट ऑफ एनर्जी उसकी क्या निकली 25,000। अब आप ये एग्जांपल दिया आपने, ये सिटीज के लिए अब ये निज़ाम बनाने में को तकरीबन 50-80 साल लग गए ना। ये तो आप जा के कहें बिल्कुल ऐसी है, एक लाइन में 10 घर हैं तो वहाँ लाइन मैंने बिछाई हुई है कि इलेक्ट्रिक नहीं, या जो भी वहाँ की डिस्क, और अब आप कहते हैं कि भाई ये तुम्हें कॉस्ट नहीं देनी। आप ज़रा सा बाहर तो आएँ, इतना फ्रेजाइल सिस्टम है, इतना ओल्ड स्कूल सिस्टम है कि जरा सा आप उस सिटी से बाहर निकलें, आप पे कॉस्ट देखें कैसे पड़ती है। अपनी लाइन की लगाओ सिटी से बाहर। अभी आने वाले दिनों में एक और प्रॉब्लम अराइज होएगा जो कि जिसकी किस जो किसी के जहन में ही नहीं है। हर घर वाले ने 100-100 किलोवाट जब लगवाना शुरू करे तो PMT की कैपेसिटी ख़त्म हो जानी है, और जब PMT की कैपेसिटी ख़त्म हो रही है तो वापडा और के इलेक्ट्रिक अपने एंड पे कह रही है कि जिस कंज्यूमर ने ज़्यादा बेचनी है वो PMT को अपसाइज करवा ले, वी हैव नो इशूज़। उसका खर्चा कौन बेयर करेगा? कंज्यूमर, जो अपना सिस्टम फ़र्ज़ करें एक PMT की फुल कैपेसिटी पे, जो इन्होंने लॉ बनाया हुआ है कि इतने परसेंट अपने एक PMT की कैपेसिटी पे 100 सिस्टम्स को कनेक्ट करना है। मोस्टली लोगों को शायद एक एक PMT की अगर फ़र्ज़ करें 500 KVA की PMT है, तो के इलेक्ट्रिक ने अपने एंड पे एक रूल बनाया हुआ है कि इसके इतने 40%, 30%, 50%, इतने परसेंट से ज़्यादा हम सोलर सिस्टम उस पर नहीं लगने देंगे। उसकी वजह यह है कि अगर ज़्यादा सोलर सिस्टम्स लग जाएंगे तो वो जो PMT के वोल्टेज हैं वो ज़्यादा हाई हो जाएंगे, हमारे लिए मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, आप कह सकते हैं भाई उनके एंड पे एक ये प्रीएम्प्टिव रेगुलेटरी अथॉरिटी वो है, मेजर है कि ग्रिड कहीं आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, ज़्यादा प्रोड्यूसर्स ना हो जाए, और फिर कंज्यूमर हो ना हो, फिर उनको तो पेमेंट भी करनी पड़ेगी, प्लस जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उसको भी उन्होंने मैनेज कर लिया है। बट जैसे जैसे सिस्टम लोग ज़्यादा लगाना चाह रहे हैं टू सेल मोर टू द ग्रिड, ताकि क्योंकि उनके बिल तो कम नहीं हो पा रहे ना, कोई कमाने के लिए तो नहीं कर रहा ना, कमाने के तो और बहुत सारे मैकेनिज़म्स हैं। ये कोई मैकेनिज़म है कि हम बिजली बेच के कमाएंगे, वो भी 2-3 साल में आर ओ आएगी, किसी बिजनेस में चलते बिजनेस में पैसे लगाए तो उससे कहीं कम में आर ओ आ जाती है। तो नोबडी इज़ डीलिंग विद दिस एज अ बिजनेस कि हम अपने ऊपर प्लांट लगाएंगे घर के ऊपर और उसे बिजली बेचेंगे और फिर हमारा माइनस में बिल आएगा और 3 महीने बाद फिर हम जाके पे चेक कलेक्ट करेंगे और उससे हम इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी करेंगे। कोई भी नहीं काम कर रहा, ये इनके दिमागों में पता नहीं क्या बात घुसी हुई है, जो उस दिन नेपरा के चेयरमैन भी कह रहे थे। तो खैर, जैसे जैसे लोग सिस्टम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनके बिल अभी भी जीरो नहीं हो पा रहे क्योंकि ये टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, तो जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम लगा रहे हैं, PMT को तो कोई अपसाइज़ नहीं कर रहा ना। 500 KVA की PMT आज से 25 साल पहले भी एक गली में लगी हुई थी, आज भी वो 500 KVA की लगी हुई है। तो हर घर वाला जब 100-100 KVA लगा लेगा, वो तो यूँ PMT की कैपेसिटी तो यूँ ख़त्म हो रही है। आप देखें तो सही, के इलेक्ट्रिक या वापडा ने अपने एंड पे अभी भी कह रहे हैं कि भाई इस एरिया में PMT की कैपेसिटी फुल हो गई है, अगर आपने भी ऑनडेड सिस्टम का हमसे नेट मीटरिंग लाइसेंस लेना है, अप्रूवल चाहिए, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, PMT की अपग्रेड हम कर देते हैं, 500 की जगह यहाँ 800 KVA की 1,000 KVA की हम लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है, कॉस्ट आप बेयर करेंगे। उसकी कॉस्ट क्यों बेयर करेंगे आप मुझे बताएं, और वो कॉस्ट किस मद में जाएगी? वो तो 500 KVA की जो कॉस्ट थी वो तो उनका है, और आपने उसके एडिशनल 300 KVA के दिए, तो वो किस मद में गए? वो बाद में रिकवर होंगे? कुछ भी रिकवर नहीं होगा यहाँ पे। ये वैसे ही है जैसे आप हर महीने के इलेक्ट्रिक का बिल जमा करा देते हैं और उसके बाद उसमें से क्या हासिल होता है आपको? जो टैक्स वैक्स सब कुछ आप जमा करा के बैठे हुए होते हैं, क्या हासिल उसूल होता है? नेट जीरो। किस चीज़ के आप मालिक बने होते हैं? उस एनर्जी के जो आपने उड़ा ली, लाइट चला ली, फैन चला ली, एयर कंडीशनिंग चला ली, टीवी चला लिया, लैपटॉप चला लिया, आपने कंज्यूम करके हवा में उड़ा ली वो एनर्जी, बजाय उसके कि आप अपनी 10 साल की, 5 साल की, 3 साल की जो एनर्जी की कंजम्पशन थी उसके पैसे इकट्ठे करके एक सिस्टम पे लगा दें जो आपको 25 साल के लिए प्रोडक्शन करके देगा, तो एट द एंड ऑफ द डे 25 साल बाद भी उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना। और अगर उसकी कोई रीसेलेबल वैल्यू, फ़र्ज़ करें 25 साल बाद वो टेक्नोलॉजी आउटडेट कर जाती है, डजेंट मैटर, 25 साल तक प्रोड्यूस तो वो कर रही होगी ना, तो उसकी फिर भी एक ऑपरेशनल वैल्यू तो होगी ना, एक कि वो कुछ प्रोड्यूस तो करती है ना, प्रोडक्शन वैल्यू तो उसकी है। ठीक है, रीसेलेबल वैल्यू नहीं है उसकी, मॉनेटरी वैल्यू उसकी डी वैल्यू हो गई है, टेक्नोलॉजी में बहुत मेजर शिफ्ट आ चुका है, बट नन द लेस द सिस्टम वुड बी प्रोड्यूसिंग समथिंग फॉर यू एज लॉन्ग एज यू मेंटेन इट। और टीयर वन की ए ग्रेड प्रोडक्ट्स हों तो 25 ईयर्स तक तो 80% आउटपुट की मैन्युफैक्चर की वारंटी है, और हमने देखा है 15 साल से 18 साल से तो हमने सिस्टम्स को खुद देखा है कि वो चल रहे हैं। तो आपने एक ऐसी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करी होगी जिसकी कोई वैल्यू है,
वरना एक सर्विस अवेल करने पे जितने पैसे लगाने आप लगाते रहे, बड़ी क्लियर सी बात है। वो एक सर्विस दे रहे हैं नेशनल ग्रिड वाले और बड़ी बेकार सी सर्विस दे रहे हैं, बड़ी क्लियर कट आवाज़ में बेकार सी सर्विस है जिसकी कोई रिलायबिलिटी नहीं है। किसी भी वक्त वो सर्विस आना मुअत्तल हो जाती है, कोई तकरीबकार कहीं ना कहीं लाइन के साथ छेड़छाड़ कर दे तो मुअत्तल हो जाती है सर्विस। सर्विस पे जो बिलिंग है वो गलत है, मिस बिलिंग होती है, ओवर बिलिंग होती है, उसमें और चीज़ों की कलेक्शन भी उसी बिल के साथ जोड़ दी जाती है, क्योंकि सबको पता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि यू विल पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, और आप क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, चलो इसके साथ साथ ये चार पांच चीज़ों की रिकवरी भी कर लेते हैं, नहीं करेंगे तो आपका बिजली का मीटर आके सस्पेंड कर देंगे। तो यू आर फोर्स पैसे ही नहीं है रहे, तो और बहुत सारी चीज़ तो, हो गए पैसे जिसे झमेलों में डाल दिया, तो वो अब आपने पे करना ही करना है, तो वो बोलते हैं उसके साथ चार चीज़ें और मिला लेते हैं। तो ये अब आपकी मर्जी है, यू वॉन्ट टू अवेल दैट सर्विस फ्रॉम सच पीपल, फ्रॉम सच कंपनीज। गवर्नमेंट लेवल पे जो मसाइल को सॉल्व करने के लिए करना चाहिए था वो तो नहीं किया गया, बड़ी क्लियर सी बात है। जिन्होंने पीछे कुछ नहीं किया उन्होंने आगे भी कुछ नहीं करना, तो जब आगे भी कुछ नहीं करना तो फिर कंज्यूमर को ही स्मार्ट होना पड़ेगा। अगर उसने सर्वाइव करना है इस एनवायरनमेंट में, उसने अपने बिजनेसेस को सर्वाइव करवाना है, उसने इंडिपेंडेंटली अपने होम लेवल पे अपने आप को सस्टेनेबल मेथड्स के थ्रू टाइम निकालना है, तो ये कंज्यूमर के एंड पे जो कर सकते हैं हम तो उसी पे डिस्कशन ज़्यादा कर सकते हैं। स्टेट लेवल पे जो होना चाहिए वो तो होना तो बहुत कुछ चाहिए, करते हैं कुछ भी नहीं है। तो कंज्यूमर के पास दो तीन ऑप्शंस ही हैं, उसमें बड़ा क्लियर ऑप्शन ये है कि कम्प्लीटली ऑफ द ग्रिड जाके टोटली इंडिपेंडेंट एनर्जी इंडिपेंडेंस ले ले और अपने आप को आज़ाद कर ले इस शिकंजे से। ये जो ग्रिड के साथ चिपक का एक शिकंजा है ना कि मैंने ग्रिड से ही कंज्यूम करना है, फिर ग्रिड को ही भेजना है और फिर महीने के बाद जो बिल आना है वो डिसअपॉइंटिंग बिल आना है। एक तो होता है ना, एक ऐसी सर्विस अवेल करी जिसके बाद खुश हुए, वही कस्टमर सेटिस्फैक्शन 5 out of 5। ऐसी सर्विस अवेल करनी है जो 1 out of 5 भी आप रेट नहीं कर सकते, और आपके पास ऑप्शन भी है कि आप उस सर्विस से हट के अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस इख्तियार कर ले। तो अगेन कंज्यूमर के ऊपर ओनस आता है इंडिपेंडेंस ना इख्तियार करने का। बाकी जो सर्विस की बेकार थर्ड क्लास सर्विस जो ग्रिड दे रही है वो उसका ओनस तो ग्रिड के ऊपर ही आएगा, किसी और के ऊपर नहीं आएगा। आने वाले दिनों में ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जैसे टेलीकॉम के सेक्टर में हुआ था कि मल्टीपल प्लेयर्स को ऑप्शन दिया गया था कि वो वेंडर्स बन जाएं और वो सर्विस को प्रोवाइड करें पाकिस्तान के अंदर, और फिर उसमें कंपटीशन भी आता है क्योंकि मल्टीपल प्राइवेट कंपनीज आती हैं और वो पार्टेक करती हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो उसमें फिर कंपटीशन का फैक्टर जब आता है तो कस्टमर का जो इंटरेस्ट होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है किसी ना किसी हद तक। उसमें भी गवर्नमेंट एजेंसीज़ की रेगुलेशन मैटर करती है कि वो कितना फोर्स करती हैं कंपनीज़ को कि वो नई से नई टेक्नोलॉजी लाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल पैकेजेस को इंट्रोड्यूस करवाएँ। तो गवर्नमेंट ओवरसाइट को अगर हम इसमें से भी निकाल दें तो बाय इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्लेयर्स इन अ मार्केट कंज्यूमर का बेनिफिट फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडिंग सर्विस है इस मल्टीपल प्लेयर्स को आने का मौका दिया जाए। अभी भी बेकार बेकार से मशवरे देते, बेकार बेकार से मसले निकालते रहते हैं कि जी के इलेक्ट्रिक जब फ़र्ज़ करें कि इलेक्ट्रिक अगर प्राइवेट वो हो जाए, यहाँ पर मल्टीपल वेंडर्स आ जाएँ बिजली के, तो जी लाइन की मेंटेनेंस किसके गले जाएगी। प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाल लो। अभी लाइन की मेंटेनेंस किसके गले जाती है, अभी PMT का अपसाइज किससे करवाते हैं, कंज्यूमर से कराते हैं ना, कंज्यूमर पे ही सारा बर्डन डाला हुआ है ना। तो अभी भी आप खुद घर से तो ला के करते नहीं है, तो प्रॉब्लम्स हैं उसके सोल्यूशंस हैं। सारे बैठ के स्टेक होल्डर्स डिसाइड कर लें किसका कितना परसेंटेज चंक है, किसका कितना एरिया में कवरेज है, जिसकी कवरेज ज़्यादा है वो उसकी कॉस्ट बेयर कर ले। इन द लॉन्ग रन जो बाय करेगा उस एरिया को या जिसकी कवरेज बढ़ जाएगी वो ट्रांसफ़र होती जाएगी उसकी मेंटेनेंस उसके घर उसके गले। रिकवरी भी एरिया वाइज डिवाइड हो सकती है, कोई इशू तो नहीं है। अगर इशू को क्रिएट करना है तो ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करना तो इनका मसला है, बट ये कोई इशूज़ तो नहीं है कि जिनको आप सॉल्व ना कर सकें। एज लॉन्ग एज प्रॉफिट्स आ रहे हों सबको, जो कि प्रॉफिटेबल है एनर्जी की प्रोडक्शन, ये इन्होंने नॉन प्रॉफिटेबल अगर किया है तो अपने सर पे किया है ना, अपनी नाअहली की वजह से किया है। जनरेशन करेंगे 500 किलोमीटर दूर, देंगे 500 किलोमीटर दूर वाले इलाके को, रास्ते में ट्रांसमिशन लाइन पे सारे पैसे लगा के ज़ाया कर लेंगे और फिर बोलेंगे कि आप नॉन प्रॉफिटेबल हो गया। तो आपके अपने पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी है जिस पे आप बेस करके बोलते हैं कि हमारा बिजनेस अफ्लोट कर जाए, ग्रिड की बात हो रही है, तो ये तो फिर ग्रिड का मसला है ना। ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की जो जो बिज़नेस है वो बेकार हो गया और बाकी सारी दुनिया ब्लैकआउट में चली है कि जी एनर्जी बेकार हो गई है और स्टेट सब्सिडीज़ दे दे के अब एनर्जी सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कोई बिज़नेस नहीं होता जो सस्टेनेबल खुद ना हो सके और जिसको सब्सिडी चाहिए, वो बिज़नेस बिज़नेस ही नहीं होता जिसको सब्सिडी चाहिए चलने के लिए। वो बिज़नेस मॉडल ही में कोई मसला होता है जिसको सब्सिडी चाहिए चलने के लिए। अगर एक बिज़नेस का मॉडल ठीक है और उसकी प्रोडक्ट कंपेटिटिव है और उसकी प्रोडक्शन एफिशिएंट है तो देन इट शुड बी एबल टू फ्लोट अफ्लोट इटसेल्फ। शुरू में प्रॉफिट्स कम होंगे, शुरू में इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी, कोई एंजल फंडिंग आएगी, कोई एंजल इन्वेस्टर फंडिंग करेगा, बट नॉनदलेस वो चीज़ सर्वाइव कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि 100 साल तक वो सब्सिडी लेती रहे और बोले कि आज भी चलने के लिए हमें सब्सिडी चाहिए। 70-75 साल गुजर गए, जिन इंडस्ट्रीज़ को आज से 50 साल पहले सब्सिडी चाहिए थी चलने के लिए उनको आज भी चाहिए, तो पता नहीं फ़र्क क्या आया।
वो शुरू में भी, शुरू में तो आप फिर कह सकते हैं कि हम स्टार्टिंग फेज़ में, ग्रोथ फेज़ में, अभी हमें बढ़ने दो, हमारे प्रॉफिट्स अभी इतने नहीं है सब्सटैंशियल। 50 साल बाद भी अगर आपके प्रॉफिट सब्सटैंशियल नहीं है तो फिर पता नहीं आप किस गोल के पीछे हैं कि हमारे प्रॉफिट्स इतने हो जाएंगे, हम मार्स खरीद लेंगे बैठ के। बेकार की बातें हैं, बेकार के फार्मूलाज हैं, सब्सिडीज़ एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा लेने की कोशिश है, ये और कुछ भी नहीं है, बर्डन टैक्स पेयर के ऊपर बनता है। तो खैर इसको रैपअप करते हैं, कुछ और ऐड करेंगे, बस इसको रैपअप करें, मेरा ख्याल है इसको रैपअप करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई कमेंट्स में बात हो तो फील फ्री टू मेंशन, और आपका इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। अगली वीडियो के साथ फिर कल हाजिर होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।